Good day to all. I welcome you to Life, Health and Food. पिछले कुछ दिनों से इंडिया में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। एयर क्वालिटी इंडेक्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें नोज में इरिटेशन रह रही है, आईज में इरिटेशन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और एलर्जिक कफ एंड कोल्ड है। आज की वीडियो मेरी इसी बारे में है कि हम अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को इस एयर पोल्यूशन के इफेक्ट से कैसे बचाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब एक ही वाई 400 से ऊपर हो तो हमें हमारे डेली रूटीन में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हम पोल्यूशन से बचें। फिर हम देखेंगे कि हम अपने घर के अंदर की एयर को कैसे फ्रेश करें, कैसे प्योर करें। फिर हम बात करेंगे कि हम अपनी डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे हमारी बॉडी पे ये जो पोल्यूशन का इफेक्ट है सबसे कम हो। तो पहले हम देखते हैं, अगर AQI 400 या उससे ऊपर हो तो आप एक काम करें कि अपनी आउटडोर एक्टिविटी जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग या बच्चों का बाहर खेलना, इसे रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए, क्योंकि ये सब करने में हम बहुत सारी एयर इनहेल कर लेते हैं और इतनी टॉक्सिक एयर अगर हम इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स पर बहुत खराब इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहला काम तो है कि हम आउटडोर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दें। दूसरा, अगर हमें जाना ही है बाहर तो हम कर सकते हैं कि हम एंटी पोल्यूशन मास्क का यूज करें। बहुत सारे एंटी पोल्यूशन मास्क मार्केट में अवेलेबल है। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं कि जब आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिकेटिंग लगे या एलर्जिक कोल्ड एंड कफ फील हो रहा हो तब आप स्टीम ले लीजिए। स्टीम में आप यूकलिप्टस ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे आपके कोल्ड एंड कफ में आपको आराम मिलेगा और आपके एयर पैसेजेस भी रिलैक्स रहेंगे। और हम एक और काम कर सकते हैं कि हम अपने नॉस्ट्रल्स में देसी घी या रोगन बादाम डाल सकते हैं। इससे हमें जो हमारी ड्राई नोज होती है या इरिटेटेड नोज होती है सुबह उठ के, उससे हमें रिलीफ मिलता है। एवरेज एक ह्यूमन 12 घंटे घर के अंदर बिताता है, तो जितना जरूरी है घर की बाहर की एयर को प्योर करना, उतना ही जरूरी है कि हम घर के अंदर की एयर को भी प्योर करें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बालकनी में पर्दा बेल लगा सकते हैं। मैंने अपनी एक बालकनी में पर्दा बेल लगाया है, उससे क्या हो रहा है कि एयर फिल्ट्रेटेड आ रही है, पर्टिकुलेट मैटर भी कम आ रहा है और जब हम सुबह उठते हैं तो हमें वो बालकनी में काफी फ्रेशनेस फील होती है। दूसरी बालकनी में भी हम लोगों ने कोशिश की है कि हम काफी ग्रीन करें। घर के बाहर बालकनी को ग्रीन करने का रीजन ही यही है कि घर के अंदर जो एयर है वो फ्रेश है। फिर बात करते हैं इंडोर प्लांट्स की। इंडोर प्लांट्स हम लगा सकते हैं घर के अंदर। इंडोर प्लांट के ऑप्शन हमारे पास हैं जो कि एक नेचुरल एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। एक है स्नेक प्लांट, अरेका पाम, रबर प्लांट, मनी प्लांट, पीस लिली और स्पाइडर। मैंने अपने एक बेडरूम में अरेका पाम और स्नेक प्लांट लगा रखा है, दूसरे बेडरूम में पीस लिली और स्पाइडर लगाया है और लिविंग एरिया में भी अरेका पाम और स्नेक प्लांट लगाया है। एक्चुअली नासा ने 1989 में एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने एक गैस चेंबर में टॉक्सिक एयर इंड्यूस की और ये नेचुरल एयर प्योरीफायर्स रखे। आफ्टर 24 आवर व्हाट दे सॉ वाज कि 90% टॉक्सिक एयर उस गैस चेंबर से रिमूव हो चुकी है। ये नेचुरल एयर प्योरीफायर्स हम अपनी लोकल नर्सरी से खरीद सकते हैं और हम अपने घर में लगा सकते हैं। बात करते हैं कितने प्लांट्स हम घर के अंदर लगाएं, तो एक स्टडी ये है 100 स्क्वायर फीट एरिया को एक मीडियम प्लांट प्योरीफाई कर सकता है। एवरेज बेडरूम जो कि 10x15 का होता है वो 150 स्क्वायर फीट का होता है। इसलिए हमारा एक लार्ज प्लांट या दो स्मॉल प्लांट्स काफी होंगे उस जगह को प्योरीफाई करने के लिए। तो ये कहते हैं कि हमारे घर में जगह नहीं है, उनके लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है स्नेक प्लांट। वो हाइट में बढ़ता है, विड्थ में नहीं बढ़ता, तो वो जगह कम लेता है, छोटी सी जगह में फिट इन हो जाता है।
और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। एक मीडियम स्नेक प्लांट आपको 50 से 60 रुपीस में मिल जाएगा आपकी लोकल नर्सरी से। इसको मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा नहीं लगती, 3 से 4 दिन में भी अगर आप इसे पानी देंगे तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। स्नेक प्लांट रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो जब हम रात में सोएंगे तो हमारे रूम में ऑक्सीजन रिच प्लांट होना अच्छा है। दूसरा फेवरेट है मेरा आरेका पाम, जो कि ये है जैसे कि आप मेरे पास में देख रहे हैं। आरेका पाम किसी भी एरिया को एक ट्रॉपिकल फील देता है, बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। दूसरा, ये भी रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये आरेका पाम मैंने नर्सरी से 200 रुपीज का लिया था और ये एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर भी है। तो जिन लोगों को रात में नाक बंद होने की प्रॉब्लम होती है, उनके रूम में अगर आरेका पाम होगा तो उन्हें रात में नाक बंद होने की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी और वो एक चैन की नींद सो पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी डाइट में ऐसे क्या चेंजेस करें जिससे हम हमारी बॉडी को पोल्यूशन के इफेक्ट से बचा पाए। तो पहली चीज तो जो है कि हम हर्बल टीज अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हर्बल टी कैसे बनती है? हर्बल टी को बनाने के 3-4 ऑप्शंस हैं। एक है कि आप उसमें पानी को उबलते टाइम जिंजर डाल दीजिए, जिंजर और तुलसी भी डाल सकते हैं आप। जिंजर और तुलसी पानी में बॉइल होते टाइम डाल दीजिए, फिर गैस से उतार के उसमें हनी और लेमन ऐड कर लीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ जिंजर और लेमन की टी बना सकते हैं या सिर्फ लेमन की टी बना सकते हैं। तो आप इसको दिन में 2 बारी लीजिए। इस हर्बल टी से आपकी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव होंगे और आपको कोल्ड में भी रिलीफ करेगा। नेक्स्ट, हमें हमारी डाइट में विटामिन सी इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन सी के सोर्सेज हैं ऑरेंज, आंवला, मौसमी, लेमन। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जिससे हमें कोल्ड एंड कफ होने के चांसेस कम होते हैं। गुड़ खाइए। गुड़ एक नेचुरल क्लेंजिंग एजेंट है जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करेगा, तो खाने के बाद आप गुड़ जरूर खाएं इस मौसम में। नेक्स्ट, हम अपनी डाइट में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड ग्रुप इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमें नट्स या ड्राई फ्रूट्स से मिलता है। बच्चों को हम नट्स या ड्राई फ्रूट्स पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। ये हमारी बॉडी में PM2.5 हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करने में और उनसे फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके अलावा हमें बीटा कैरोटीन भी इंक्लूड करना चाहिए अपने खाने में। बीटा कैरोटीन हमें रेड, ऑरेंज या येलो कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है, जो कि हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है एंड वंस अगेन ये हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये सारे चेंजेस करके हम अपने लेवल पे तो एयर पोल्यूशन से लड़ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं भी कर रही है एयर पोल्यूशन के लिए, तो हम अपने लेवल पे जो कुछ कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए अपने आप को और अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और रेड बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको मेरी आगे की वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।